हाई फ्रेंड्स, आई एम सुनील संगे फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज हम देखेंगे मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छा फंड कौन सा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम गिव अवे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो वीडियोस में पर्टिकुलर कोई इंटरेस्टिंग कमेंट है या कोई पर्टिकुलर थॉट है आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम के अंदर लाइक्स और कमेंट के हिसाब से यूट्यूब बाकी लोगों को अपना वीडियो जो है रिकमेंड करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मल्टी कैप एक्चुअली किस तरीके से, ये मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का जो डिफरेंस है वो आया। वो पहले क्या था, सिर्फ एक ही कैटेगरी थी मल्टी कैप। तो इन्वेस्टर्स जो है वो ये सोच के इन्वेस्ट करते थे कि एक मल्टी कैप फंड है तो वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में पैसा लगेगा। बट एक्चुअली वैसा होता नहीं था। ज्यादातर फंड जो है प्रीवियसली मल्टी कैप फंड होता था बट वो मोस्टली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते थे। तो सेबी को थोड़ा सा ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगा और थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लगा, जो कस्टमर्स बाई कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं उनको जो एक्चुअली चाहिए प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा नॉमनक्लेचर के हिसाब से मिसलीड था। तो सेबी ने एक नई गाइडलाइन निकाली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेपरेट कर दिया। एक तो मल्टी कैप फंड है उसमें रूल क्या हो गया कि 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और 25% लार्ज कैप पे मैंडेटरी होगा। और रिमेनिंग 25% के लिए एक फंड मैनेजर कॉल ले सकता है, वो चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या इवन हो सकता है डेट या इंटरनेशनल फंड किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से मल्टी कैप फंड रहेगा। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या हुआ कि यहां पे फंड मैनेजर को कंप्लीट फ्रीडम रहेगा। तो ये नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई थी। और मल्टी कैप जो पहले था उसमें जो रूल्स मैंने बताया 25 25 25 का जो गोल्डन रूल है ये रूल लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक फंड मैनेजर को जब कॉल लेंगे तो वो फ्लेक्सी कैप में चले जाएगा। तो ज्यादातर फंड्स जो मल्टी कैप पहले थे उन्होंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मूव कर गया क्योंकि उनका जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप में था। और जब ये रूल आया था समवेयर अराउंड नवंबर दिसंबर 2020, तो फंड मैनेजर्स के पास दो चॉइस था, या तो वो अपना 25 25 25 का रूल फॉलो करते हुए मल्टी कैप में रहे, बट उस केस में उनको लार्ज कैप के इतने ज्यादा एलोकेशन को बेचना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअली क्रैश आ सकता था और उनको अपने फंड काफी लॉस करना पड़ता, तो इन्वेस्टर्स के लिए वो काफी नुकसानदायक होता। तो ज्यादातर फंड्स ने क्या किया, उन्होंने मूव कर गए फ्लेक्स कैप कैटेगरी में। तो आप देखोगे आज के टाइम पे ज्यादातर फंड्स जो है वो फ्लेक्स कैप कैटेगरी में है और जितने अच्छे फंड्स है वो फ्लेक्स कैप कैटेगरी में ज्यादा है। और मल्टी कैप बहुत ज्यादा अच्छे फंड पर्सनली मुझे कम लगते हैं, बट इसको हम थोड़ा सा आने वाले स्लाइड में भी देखेंगे। बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करनी चाहिए। अब फ्लेक्स कैप के अंदर एक ही कंडीशन है प्राइमरी कि 65% एलोकेशन जो है इक्विटी में होना चाहिए और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में हो या इंटरनेशनल फंड में हो, बट इक्विटी में होना मैंडेटरी हो गया। तो यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि फ्लेक्सी कैप में जो है ज्यादातर फंड्स जो है लार्ज कैप में है और स्मॉल एंड मिड कैप में एक छोटा एलोकेशन है, मे बी 25% 30% का एलोकेशन है, बट मल्टी कैप में ऑलमोस्ट 50% का एलोकेशन जो है स्मॉल एंड मिड कैप में मिनिमल है। तो इससे क्या होता है कि वोलेटिलिटी मल्टी कैप में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करो, ये मान के चलिए कि वोलेटिलिटी आपको ज्यादा देखनी पड़ेगी कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसमें थोड़े से कैलेंडर रिटर्न्स देख लेते हैं। करेंटली जो मल्टी कैप फंड्स लिस्टेड है इसमें से इन्वेस्को मल्टी कैप है, क्वांट एक्टिव है, सुंदरम मल्टी कैप है, आईसीसी प्रोडेंशियल मल्टी कैप है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, बीएनपी परिवार से और बड़ौदा मल्टी कैप है। तो ये जो है ये थोड़े से पुराने फंड्स हैं जिनकी डेटा इनफ है, वो वाले डेटा लिए मैंने। तो यहाँ पे 2012 से लेकर 2021 ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स की डेटा है और ये 9-10 ईयर्स की कैलेंडर रिटर्न्स को हम देखें तो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि जो भी फंड जो है सबसे अच्छे रिटर्न्स दिया है उस पर्टिकुलर कैलेंडर में, टॉप 3 फंड्स उनको मैंने मार्क किया। तो आप देखोगे कि इन्वेस्को मल्टी कैप ने आउट ऑफ दिस 10 इयर्स 8 टाइम्स जो है टॉप 3 में था, और वही क्वांट एक्टिव जो है ये 6 out of 10 टाइम्स था, और वही सुंदरम मल्टी कैप जो है 6 out of 10 टाइम्स था। तो ये जो है थोड़ी सी फंड की कंसिस्टेंसी बताती है। तो यहाँ पे सबसे कंसिस्टेंट कौन है, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। तो ये कंसिस्टेंसी को देख के आपको लगे कि इन्वेस्को मल्टी कैप फंड जो है सबसे अच्छा फंड है। बट आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, गौर करनी पड़ेगी कि क्वांट एक्टिव फंड जो है ये 2018 के बाद से लगातार कंसिस्टेंट और सबसे अच्छा फंड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये 2018 के बाद ऐसा क्या खास हुआ है कि क्वांट एक्चुअली जो है ये क्वांट कैपिटल के नाम से एक कैपिटल फर्म थी और इन्होंने एक्वायर किया एक म्यूचुअल फंड हाउस को 2018 में, और उसके बाद से इन्होंने रीनेम करके ये खुद मैनेज करने लगे क्वांट एक्टिव फंड को। तो इसलिए जो है एक बार क्वांट फंड हाउस ने जब इसको अपने अंडर लिया और उसके बाद परफॉर्म करने लगे तो ये कंसिस्टेंटली ये सबसे अच्छे परफॉर्मिंग फंड में आ जा रहा है। तो इसलिए इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड और क्वांट एक्टिव इन दोनों को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स मानूं, 2008 में इन्वेस्को का जो फंड है वो लॉन्च हुआ था, तो 2008 से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि एवरेज रिटर्न्स जो है क्वांट एक्टिव के लगभग 14% के मीडियन रिटर्न्स है, वही इन्वेस्को इंडिया के लगभग 16%। तो ऑलमोस्ट 2.5% का एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर पाया है इन्वेस्को इंडिया कंपेयर टू क्वांट एक्टिव। बट अब 2018 के बाद से परफॉर्मेंस देखोगे तो चीजें इंटरेस्टिंग लगेगी। जो आपका ये जो ऑरेंज कलर टाइप का जो है क्वांट एक्टिव फंड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो है ये कंसिस्टेंटली इसने लगातार आउट परफॉर्म किया इन्वेस्को इंडिया को स्पेशली आफ्टर 2018। तो ये जो चीज है ये गौर करने वाली चीज है। तो अगर आप ओवरऑल हिस्टोरिकल डेटा को ज्यादा रिलाई करते हो ऑलमोस्ट 10 ईयर
लेटेस्ट 12 ईयर्स के हिसाब से, तो आपको एक्चुअली इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप फंड को कंसिडर करना चाहिए। बट अगर आप रिसेंट डेटा को कंसिडर करना चाहो, ये चीज को गौर करना चाहो कि शायद ये फंड हाउस जो है क्वांट एक्टिव फंड हाउस जो है, इसने जब से टेक ओवर किया ये फंड जो है इसकी इंप्रूवमेंट बढ़ने लगी है। तो इस चीज को अगर आप रिलाई करके देखना चाहो तो आपको क्वांट एक्टिव फंड को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जो रिटर्न है वो पास्ट के रिटर्न से आपको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, आपको फ्यूचर के हिसाब से देखना चाहिए। राइट, आप जब इन्वेस्ट करो तो फ्यूचर में क्या रिटर्न आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी जो है ये बोलती है कि क्वांट एक्टिव फंड बेटर रिटर्न दे सकता है, स्पेशली जो हमारी डेटा सजेस्ट कर रही है। बट इसको थोड़ा सा बिग फंड्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो विदाउट जंपिंग टू कंक्लूजन, तो आप देखोगे कि मैं इसको 2005 से लेके बड़ौदा मल्टी कैप फंड है, बीएनपी परिवार से, क्वांट एक्टिव और निपोन इंडिया, ये चारों का कंपेरिजन कर लेता हूं। तो ये चारों जो पुराने हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिए, तो 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न के हिसाब से आप देखोगे तो मीडियम रिटर्न लगभग सिमिलर है। बड़ौदा मल्टी कैप थोड़ी अंडर परफॉर्मिंग है, बट बाकी तीनों जो है ऑलमोस्ट 12% 12.5% के आसपास के रिटर्न है, तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। और लेकिन यहाँ पे अगेन आप देखोगे कि अगेन मल्टी कैप फंड के अंदर ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे क्वांट एक्टिव, तो ये ग्रीन कलर जो है 2018 के बाद से इसने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है। और वहीं मैं अगर 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की बात करूं तो रोलिंग रिटर्न्स में 5 ईयर्स में थोड़े से एनपी परिवार ने बेटर रिटर्न्स दिए ऑलमोस्ट 14% के, और बाकी सब ने ऑलमोस्ट 12% के आसपास है। बट यहाँ पे बीएनपी परिवार एंड इनफैक्ट निपोन इंडिया मल्टी कैप इन दोनों ने बेटर परफॉर्म किया है। बट यहाँ पे ग्रीन कलर, अगेन ग्रीन कलर से अगर आप देखोगे जो क्वांट एक्टिव फंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2018 के बाद से चीजें यहाँ पे एकदम से अलग नजर आ रही है। और ये रोलिंग रिटर्न्स है, माइंड यू ये ट्रेलिंग रिटर्न्स नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसको विश्वास करके देखना पड़ेगा, स्पेशली बिकॉज दिस इज कैलेंडर रिटर्न्स, ये जो रिटर्न्स है ये रोलिंग रिटर्न्स है, तो रोलिंग रिटर्न्स को आपको ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रेलिंग रिटर्न्स नहीं है। तो यहाँ पे 2018 के बाद से चीजें इंप्रूव हो रही है। बट इसको 7 ईयर्स में भी देखिए, तो 7 ईयर्स में आप देखोगे ऑलमोस्ट 14% के आसपास के रिटर्न्स है, थोड़े से कम रिटर्न्स जो है क्वांट एक्टिव के रहे हैं 7 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स। बट अगेन जो है 2018 के बाद से चीजें चेंज हो रही है, तो बार बार मैं 2018 का पुश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी के बाद से जो है क्वांट एज अ फंड हाउस ने इस एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को टेक ओवर करके जो है इस फंड को मैनेज करना स्टार्ट किया था। तो ये जो फंड है क्वांट एक्टिव, इसको थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेते हैं। तो क्वांट एक्टिव का अगर मैं कंपेरिजन महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप से भी करूं, ये जो है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था 2018 के आसपास लॉन्च हुआ था, और ये भी काफी अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। तो इसके साथ भी कंपेरिजन करें तो महिंद्रा वाले फंड ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट आप देखोगे की इन लास्ट 4 ईयर्स जो है ये क्वांट एक्टिव ने बेटर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और यहीं पे मैं अगर क्वांट एक्टिव की कुछ नंबर्स की बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं, तो क्वांट एक्टिव फंड जो है, जैसे मैंने कहा कि ये जो है पहले एक दूसरे फंड हाउस के नाम से जाना जाता था, एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था, एंड 2001 से ये फंड ऑलरेडी मार्केट में है। बट प्रीवियसली ये एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड मैनेज करता था, तो फंड मैनेजर अलग था, इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग थी, फंड हाउस अलग था, तो इसलिए जो है इसको हमें 2018 के बाद से एक्चुअली देखना चाहिए। 2018 तक ये एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड मैनेज करता था, और 2017 के अराउंड इन्होंने टेक ओवर करके 2018 से मैनेज करना स्टार्ट किया। तो प्रीवियसली ये एस्कॉर्ट्स ग्रोथ फंड के नाम से जाना जाता था, इसको इन्होंने बाद में क्वांट ग्रोथ फंड के नाम से चेंज किया, बट इवेंचुअली इन लोगों ने अक्टूबर 2018 में इसे फ्रॉम ग्रोथ फंड इसे क्वांट एक्टिव फंड के नाम से चेंज किया। तो ये जो क्वांट एक्टिव फंड है ये प्राइमरली क्वांट्स बेस्ड अप्रोच है, तो इसका थोड़ा सा क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल मॉडल क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बट उसके पहले ये जो फंड हाउस है या जो क्वांट ग्रुप है ये संदीप टंडन मैनेज करते हैं, और संदीप टंडन जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी वेटरन माने जाते हैं। ये बेसिकली क्या है कि ये मैथमेटिकल मॉडल्स ड्रिवन अप्रोच रखते हैं, तो इनके काफी सारे इंटरव्यूज भी आते रहते हैं। तो इनके अगर आप अप्रोच देखोगे तो इनकी जो अप्रोच है ये टिपिकल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी जैसी इन्वेस्टिंग माइंडसेट नहीं है। ये बेसिकली मैक्रो को या माइक्रो को देखते हैं, बट उन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए भी ये मैथमेटिकल मॉडल्स को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्वांट एक्टिव फंड की निफ्टी 500 और निफ्टी 500 मल्टी कैप ये दोनों इंडेक्स के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कंसिस्टेंटली क्वांट एक्टिव फंड ने बीट किया है सिंस 2018 इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो थोड़ी सी इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वांट एक्टिव फंड किस तरीके से ये रन होता है, ये जो रूल बेस्ड अप्रोच है ये क्या है एग्जैक्टली। तो आप देखो कि ये VLRT, ये जो VLRT फ्रेमवर्क है ये इनका इनहाउस इन लोगों ने फ्रेमवर्क बताया है। तो ये बेसिकली वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट और टाइमिंग, ये चार चीजों को कंसिडर करता है। तो ये चार चीजों में क्या होता है, जो से टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग में बेसिकली ये जब एक स्टॉक में पर्टिकुलर मोमेंटम रहता है उस तरीके के फैक्टर को कंसिडर करते हैं, लिक्विडिटी कैसी रहती है और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से क्या काफी वो सस्ता है कि नहीं है, ये सारी चीजों को ये इंटरनली एक मैथमेटिकल मॉडल में लाए हैं। तो ये मैथमेटिकल मॉडल ये रिवील भी नहीं करते और एज सच ये कोई लिटरेचर में कहीं पे अवेलेबल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो है इस तरीके के फंड्स को जो है ना आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, मार्केट की एक एंड टू एंड साइकिल इसको हो जानी चाहिए। पर्सनली मुझे लगता है कि इसको एटलीस्ट 5 ईयर्स यानी 2023 तक आपको वेट करना चाहिए, और 2024 में जाके अगर
है ये वॉकिंग बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, तब जाके आपको पकड़ना चाहिए। पर्सनली मुझे लगता है कि भी काफी सारे पहले भी फंड्स आए हुए हैं जो क्वांट बेस्ड अप्रोच रखे हैं, मैथमेटिकल मॉडल है, बट वो जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए इन द पास्ट। इस तरह के काफी सारे फंड्स हैं, उनको डिटेल में मैंने एक सेपरेट वीडियो में भी कैप्चर किया था। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि यूजुअली मैं अपने चैनल पे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग को काफी सराहता हूँ, काफी मानता हूँ, बट आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैंसलिंग या मोमेंटम या पेट्रोस की इस तरीके के मॉडल्स को जब मानता हूँ तो वो इसलिए क्योंकि वो बैक टेस्टेड है, वो अक्रॉस वर्ल्ड ग्लोबल डेटा में ऑलमोस्ट 30 years, 40 years, 50 years से प्रूवन मॉडल्स है और इसलिए मैं उनको सराहता हूँ। बट ये जो मॉडल है BLRT फ्रेमवर्क, तो ये जो है ये इनका क्वांट का खुद का बनाया हुआ फ्रेमवर्क है, तो ये कितना अच्छा काम करता है ये किसी को पता नहीं है और इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए क्योंकि ये अंडर परफॉर्म करने लगेगा तो आप फंस जाओगे। तो ये जो चीजें हैं इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा आपको नंबर्स में भी दिखाऊंगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, ये कैश और डेट एलोकेशन स्कीम के अंदर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैश पोजिशन में बैठते हैं जब मार्केट में करेक्शन हो। इसका मतलब है कि आप देखो जब कोविड के टाइम पे जब मार्केट में क्रैश हुई थी यानी मार्च 2020 में, तो इन्होंने अगस्त के अंदर जो एलोकेशन है इन लोगों ने बढ़ाई थी। ये येलो कलर जो है ये दिखा रहा है कि इन लोगों ने अपनी एलोकेशन बढ़ाई और ये मार्च को लेकर मई 20 इस पोजीशन पे इन लोगों ने एलोकेशन बढ़ाई। तो चीजें इंटरेस्टिंग है, बट आप देखो एक इंटरेस्टिंग चीज कि इन लोगों ने एलोकेशन कितनी बढ़ाई, ये देखो ऑलमोस्ट 0% के आसपास की एलोकेशन थी, लगभग 1% की होगी, और वो एलोकेशन को बढ़ा के ऑलमोस्ट 10% किया है। आप देखो 90% 85% के रेंज समवेयर इन दिस रेंज, तो ऑलमोस्ट 12-15% के रेंज में इन लोगों ने कैश एलोकेशन लिया, जबकि एक मल्टी कैप फंड कितना तक का एलोकेशन कैश पोजीशन में ले सकता है, ऑलमोस्ट 25%। तो आप देखो ये जो एलोकेशन है इससे पता चलता है कि ये कैश पोजीशन जो ये लेते हैं या क्लेम करते हैं इतनी अच्छी या इतनी अग्रेसिव कॉल नहीं ले पाते पर्सनली मुझे लगता है, बट नेवरदलेस इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। बट ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यूजुअली कोई फंड हाउस जो इस तरीके से कैश पोजीशन को इतने अग्रेसिवली लेता नहीं है, बट इन्होंने एटलीस्ट कुछ हद तक तो डेफिनेटली लिया। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो ये कहते हैं कि ये एलोकेशन लिक्विडिटी रिस्क एपेटाइट को डायनेमिक सेटिंग के अंदर फॉलो करते हैं और कैश एलोकेशन भी लेते हैं। बट एक बार हम वापस से पैंडेमिक वाला सिचुएशन देख लेते हैं, तो पैंडेमिक वाले सिचुएशन में अगर आपने स्पेशली 1 February 2020 यानी पैंडेमिक के जस्ट पहले से लेकर 24 March 2020 जो मेजर क्रैश पॉइंट था वहां तक का सिचुएशन देखे, तो अगर आपने 10,000 निवेश किया था तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 36.5% की करेक्शन मिलती इस फंड के अंदर, और वहीं निफ्टी 500 के अंदर कितनी करेक्शन हुई, 36%। तो ड्रॉडाउन वाइज क्या ये कम ड्रॉडाउन लाया कैश पोजीशन लेके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो चीज है ये समझने की है क्योंकि ड्रॉडाउन जो है वो आपको एक्चुअली बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कितना बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है VLRT में मुझे थोड़े से चीजें कोई स्पेशल नहीं लगी जितना ये क्लेम कर रहे हैं, बट नेवरदलेस इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है फॉर लास्ट 4 years, तो डेफिनेटली हमें इसे कंसिडर करना चाहिए। एटलीस्ट पर्सनली मुझे लगता है कि एटलीस्ट टिल 2023 एंड तक हमें इसे देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, और एक मार्केट की एक एंड टू एंड साइकिल कंप्लीट हो जाती है लगभग 5 साल के अंदर, इस तरीके के परफॉर्मेंस रहते हैं कि ये वाकई में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड रहता है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूअसली अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्टॉक्स में ये अपनी एलोकेशन बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड क्वांट मॉडल ये अपनी एलोकेशन लेते हैं, तो ये सेक्टर एग्नोस्टिक है, यानी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इतना एलोकेशन लेना है ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं रखते। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जून 2021 में इनके एलोकेशन मेटल में ऑलमोस्ट 8.5% थी, FMCG में ऑलमोस्ट 8% के आसपास, फार्मास्यूटिकल या स्पेशली डायग्नोस्टिक में ऑलमोस्ट 7.6% और फार्मास्यूटिकल में 6.5 और प्राइवेट बैंक्स में 6.5, तो ये मेजर एलोकेशन थी। वही एलोकेशन चेंज हो गई सितंबर में, इनकी एलोकेशन ऑयल एंड गैस में ऑलमोस्ट 12.5%, रियल स्टेट में 9.74, प्राइवेट बैंक्स में 9% और FMCG में ऑलमोस्ट 8.5%। तो अगर आपको याद होगा तो सितंबर 2021 के बाद से बैंकिंग सेक्टर में ऑलमोस्ट 4 months तक लगातार जो है एक बहुत अच्छी रैली आई थी और वही बेनिफिट इन लोगों ने प्राइवेट बैंक से लिया था। और 2021 में एंड में और 2022 में अगर हम देखें तो रियल स्टेट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 6 months में कंपेयर टू द मार्केट ओवरऑल मार्केट, तो वहां पे भी इन लोगों ने अपना एलोकेशन से बेनिफिट लिया। और वहीं अगर मैं दिसंबर 2021 में बात करूं तो अगेन इन लोगों ने अपनी एलोकेशन जो है प्राइवेट बैंक से कम कर दी और पब्लिक बैंक्स में जो है अपनी एलोकेशन बढ़ा दी। तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि एक्चुअली इन लोगों ने अपने सेक्टर की एलोकेशन बहुत अच्छी तरीके से चेंज की है। और वहीं मेटल में एक अच्छी रैली वापस हमें ऑलमोस्ट दिसंबर क्वार्टर से देखने को मिली है, तो यहाँ पे इन लोगों ने अपनी एलोकेशन वापस से हिसाब से एडजस्ट कर ली। तो ये जो एलोकेशन चेंज की जो मेथोडोलॉजी है ये इंटरेस्टिंग है और इसे हमें कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। लगातार अगर एक कोई फंड जो है अपनी एलोकेशन इस तरीके से ठीक लेने लगे तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और वाकई इन लोगों ने मेटल और ऑयल गैस में अपनी एलोकेशन मेंटेन की है और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव लग रही है, तो उस तरीके से इन लोगों ने अपनी एलोकेशन जनवरी में बढ़ा दी। तो ये जो एलोकेशन है ओवरऑल पर्सनली मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग है और मार्केट की जो एक्चुअली अप्रोच है उसी अप्रोच में ये अपना एलोकेशन सही सही तरीके से ले आ पा रहे। तो पर्सनली मुझे लगता है कि इनका फ्रेमवर्क जो है काफी इंटरेस्टिंग है और डेफिनेटली इसे हमें वॉचलिस्ट में रखना चाहिए। अब कुछ
कुछ नेगेटिव चीजों की बात करूं तो क्वांट का जो फंड है ये बेसिकली कहते हैं कि ये मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल पैटर्न पे रिलाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका एक मॉडल आपको बनाना ज्यादा जरूरी होता है, बट एक बार ये मॉडल बन गया है तो आप इसमें डेटा फीड करते रहते हो और कंटिन्यूसली उससे जो डेटा या कोई स्टॉक रिकमेंडेशन आता है एज पर द मॉडल प्रेडिक्टिव मॉडल, तो आप उस स्टॉक्स को बाय करते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच सेक्टर इट बिलोंग्स टू। बट अगर ऐसा ही है तो इनकी डायरेक्ट प्लान की चार्जेस 0.58% क्यों है, क्यों ना 0.2% 0.3% नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा कंपेयर टू एक्टिव इन्वेस्टिंग जो होती है जहां पे आपको सेक्टर्स के काफी सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ता है, काफी सारे एनालिस्ट को बिठाना पड़ता है, वहां पे मॉडल्स के लिए आपको इनिशियली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट एक बार आपका मॉडल सेट हो गया है, बैक टेस्ट हो गया है, तो उसके बाद चीजें जो है थोड़ी सी स्पेशली मुझे लगता है कॉस्ट जो होता है थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे इसे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि क्वांट मॉडल जो है इसने अपनी डेटा या इसने अपना मॉडल रिवील नहीं किया है, ऑफ कोर्स इनका जो प्रोप्राइटरी मॉडल है इसको अगर ये रिवील कर देंगे तो एक्चुअली दूसरे फंड हाउस भी इसे कॉपी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको कंप्लीटली से परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करना चाहिए और परफॉर्मेंस के हिसाब से एक मार्केट के एंड टू एंड साइकिल के बाद ही आपको जज करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लेक्सिकैप फंड को भी एनालाइज किया था, इसका डिटेल वीडियो भी आप चाहो तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे रेंडी स्पेस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो पर्सनली मुझे लगता है कि पराग पारिक ने भी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और फ्लेक्सी कैप के अंदर काफी अच्छा फंड है। तो जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं या थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं फॉर क्वांट एक्टिव फंड, तो उन्हें एक्चुअली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर करना चाहिए। बट अगर आप ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते तो क्वांट एक्टिव फंड को आपको कंसिडर करना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन के हिसाब से देखूं तो आपको इन्वेस्टो मल्टी कैप फंड को कंसिडर करना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्वांट एक्टिव फंड को आपको कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप मल्टी कैप के अंदर आपका बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं है आपको मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप फ्लेक्सी कैप के अंदर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हो और 1.5-2 साल और वेट कर लेते हो क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो क्वांट एक्टिव फंड का इनफ डेटा आ जाएगा और उसके बाद परफॉर्मेंस के हिसाब से आप पराग पारिक से शिफ्ट हो सकते हो क्वांट एक्टिव फंड के अंदर। ओवरऑल आपके अपने बिहेवियरल माइंडसेट के हिसाब से आपको ये तीनों में से एक डिसीजन लेनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हो हम चैनल पर कवर करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।